कह दियो वो लौड़ा मंत्री बनेगा नीतीश बा। सभी को जय हिंद जय श्री राम। दोस्तों आने वाले टाइम में नीतीश कुमार जो बिहार का स्टैम्प सीएम है वो पीएम बनेगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब नीतीश कुमार खुद सपने देख रहा है। बिहार की जनता भी नहीं कह रही, देश की जनता भी नहीं कह रही, यानी कि वो पीएम बनने के सपना देख रहा है, प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहा है। और जब एक बाबा से पूछ लिया गया एक पत्रकार के द्वारा कि नीतीश कुमार को क्या आप पीएम बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, तो बाबा ने देखिए किस तरह जवाब दिया है, एक बार सुनिए आप भी। नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। लौड़ा मंत्री बनेगा, कह दियो वो लौड़ा मंत्री बनेगा नीतीश बा। काहे बिहार के हैं तो बिहार के तो है ना, लौड़ा बिहार के बहन के गाँव में रहते दिन गया भेजू कुछ बोलेगा बेटी चोर लड़मा के बहन के रख ले निवास बहन चोर को कौन नहीं जानता है। गजब रेल दी बड़का आदमी है तो उसको पॉलिसी लेता तू लोग पॉलिसी का बात नहीं है। सब बेटियों को मुंह मुद्दे रहते दिन के प्रधानमंत्री बनेगा लौड़ा मंत्री बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये आप गुस्सा क्यों है? काहे नहीं गुस्सा रहेंगे, बहन चोर को बच्चे से जानते हैं लौड़े घर से, वो कैसे 3 साल का बड़ा है, ओकरे गांव में नानी घर है उसको नहीं जानते बेटी चोर के। कहाँ नानी घर हुआ आपका? है कहाँ नानी घर हुआ? जहाँ का घर है बेटी चोर बाके कल्याण बीघा। कल्याण बीघा आपका नानी घर है? हाँ। क्या बात है, बच्चे से जानते बहन चोर के पट्टू साला के। बचपन में क्या करते थे? मारता था ही। आप कुछ सुनोगे? कौन बेटियों के मुंह पर कहेंगे अब भाई इनके चोर चोट्टा बनेगा प्रधानमंत्री लौड़ा मंत्री बनेगा। अच्छा मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे हैं? सबसे बढ़िया है। मोदी जी अगर 24 में अगर वो आ रहे हैं हाँ। तो क्या ये सत्य है? सच है ये कौन तो कहेगा? बुजुर्ग बाबा ने किस तरह से जवाब दिया है, घंटा प्रधानमंत्री बनेगा, बताइए। वाह रे वाह नीतीश कुमार, तेरे यही देखने को और यही सुनने को बचा है बस, सब अब तेरी जिंदगी में यही बचा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम लोगों ने मतलब इतना अत्याचार मचा रखा है बिहार के अंदर कि निर्दोष पत्रकारों को तुम जेल में डाल रहे हो, बिहार के जो मजदूर हैं उनको तुम पिटने के लिए छोड़ दे रहे हो, और तुम्हारे जो पुल है वो गिर जा रहे हैं, और बिहार में कोई रोजगार नहीं, कोई राशन पानी नहीं, कुछ नहीं, बिहार यानी कि 20 साल से इसी तरह से घसीटा जा रहा है, और तुम यहां पर सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हो। तो बाबा ने किस तरह जवाब दिया, बाबा को तो सैल्यूट है क्योंकि बाबा ने सच बोल दिया। अब यही बात बहुत सारे लोगों को पिछवाड़े में आग भी लग जाएगी और बहुत सारे लोगों को मजा भी आया होगा ये सुनकर। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। और हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से दोनों से इन कहना चाहते हैं, इन चाचा भतीजों से, तुमने बिहार की जनता को बेवकूफ बना लिया, इतना ही काफी है। तुम देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चले हो, ये तुम्हारे और तुम्हारे बाप के किसी के भी बस की नहीं है, क्योंकि देश की जनता इतनी बड़ी मूर्ख ना है जो तुम जैसे अनपढ़ और चाचा भतीजों के चक्कर में, तुम जैसों के चक्कर में आ जाएगा देश की जनता। हैं हमारे नरेंद्र मोदी है पीएम की कुर्सी पर, अगर उनके बाद अगर कोई बनेगा तो योगी आदित्यनाथ, अगर उनके बाद भी कोई पीएम बनेगा तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तुम जैसे खच्चर तो बिल्कुल भी कोशिश करो ही मत ना, और तुम कभी बन भी नहीं सकते, समझे। बस इतना ही कहना चाहते दोस्तों, पहुंचाइए इन तक ये वीडियो, सभी को जय हिंद।